हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिसका भी बर्गर किंग आईपीओ में अलॉटमेंट आया है, और जिसका अलॉटमेंट नहीं आया दोस्तों उनको यहाँ पर निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी आ गई है मिसेस बैक्टर्स फूड के आईपीओ के रूप में। पूरा डिटेल में वीडियो में आपको बताऊंगा क्या यहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें हम आज के जो हमारा वीडियो होगा उसका जो हमारा एजेंडा होगा, देखिए हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आईपीओ डिटेल्स क्या हैं, प्राइस बैंड डेट्स एंड एटसेट्रा, कंपैरिजन विद पीयर्स मतलब मार्केट में कौन कौन इसके पीयर्स हैं और कितना वो मार्केट शेयर यहाँ पर रखते हैं, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आईपीओ बैक्टर्स आईपीओ में, और ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या धमाल मचा हुआ है वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कंपनी का ओवरव्यू मतलब कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो है जो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है बेसिकली दो सेगमेंट में है, एक तो बिस्किट्स में एक बेकरी में। तो बिस्किट्स में देखिए कुकीज़ क्रीम्स क्रैकर्स डाइजेस्टिव एक्सेट्रा बनाते हैं, बेकरी में देखेंगे आप ब्रेड बर्न्स पिज्ज़ा बेसिस केक्स एक्सेट्रा। तो अगर आप देखेंगे द कंपनी इज ऑल्सो द लार्जेस्ट सप्लायर टू QSR चेन्स लाइक बर्गर किंग इंडिया, जिसका अभी रिसेंटली आईपीओ आया था, नॉट प्लाजा रेस्टोरेंट्स, हार्ट कैसल रेस्टोरेंट मतलब जो अभी मैकडी को ओन करती है। तो मैकडी के जो भी बर्गर होते हैं उनका जो बंस होते हैं वो यहाँ पर है बैक्टर्स मिसेस बैक्टर्स का ही प्रोडक्ट होता है। KFC यम रेस्टोरेंट्स एंड मल्टीप्लेक्सेस सच एस PVR। तो कंपनी का दोस्तों प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है। अगर आप बेकरी सेगमेंट में देखेंगे तो 96 प्रोडक्ट्स हैं और बिस्किट सेगमेंट में देखेंगे तो टोटल 384 सेगमेंट्स हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली नॉर्थ इंडिया की जो है कंपनी है, तो नॉर्थ इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा इसका मार्केट शेयर है, हालांकि और जगह अपना एक्सपेंशन कर रही है और एक्सपोर्ट भी दोस्तों ये UK US में काफ़ी अच्छा इसका जो है एक्सपोर्ट भी अपने प्रोडक्ट्स को करती है। तो यहाँ पर ये था कंपनी का बिजनेस मॉडल दोस्तों, और जैसे कि आपको पता है अपनी इंडियन इकोनॉमी जो है ग्रोइंग इकोनॉमी है और यहाँ पर स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है लोगों की। तो यहाँ पर दोस्त जो लोग हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेंड कर रहे हैं और प्रीमियम और मिड प्रीमियम सेगमेंट्स में बिस्किट्स के जो ग्रोथ है वो भी आपको दोस्तों अभी एक दूसरे स्लाइड पर बताऊँगा, वहाँ पर आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि इसकी जो है काफ़ी अच्छा यहाँ से ग्रो हो सकता है मिसेस बैक्टर्स का फूड स्पेशलिटी फूड आईपीओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल्स की बात करें। तो फाइनेंशियल्स आप देखेंगे तो FY18 में आप देखेंगे जो टोटल एसेट्स हैं ये मिलियन में है, और यहाँ पर मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊँगा। तो 511 करोड़ था एसेट साइज, देन 577 करोड़ हुआ 19 में, देन थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर जो है कम हुआ 565 करोड़, देन अगेन March 20 क्वार्टर में ही FY20 में ही यहाँ पर देखिए आप अच्छा खासा यहाँ पर एसेट साइज इंक्रीज़ हुआ है कंपनी का। अगर बात करें रेवेन्यू की तो 695 करोड़ से बढ़ के हो गया 786 करोड़, फिर थोड़ा सा यहाँ पर जो है FY20 में 764 करोड़ हुआ। उसके बाद आप रेवेन्यू देखेंगे 6 महीने बाद मतलब सितंबर क्वार्टर में FY20 सितंबर क्वार्टर में तो 438 करोड़। तो यहाँ पर देखिए रेवेन्यू काफ़ी जो है अच्छा खासा यहाँ पर, अच्छा खासा तो नहीं लेकिन हाँ इंक्रीज़ हो रहा है इन सम सॉर्ट अगर आप देखेंगे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखिए जो 35 करोड़ से बढ़ के 35 करोड़ से कम होकर 33 करोड़ रह गया। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट और कम हुआ March 20 में FY20 में आप देखेंगे 30 करोड़। उसके बाद यहाँ पर अब यहाँ पर इसने ग्रो किया है दोस्तों सेप्टेम्बर क्वार्टर में आप देखेंगे लॉकडाउन में यहाँ पर काफ़ी इनका कंजप्शन हुआ है इनके प्रोडक्ट्स का, तो यहाँ पर 38 करोड़। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे तो हाईएस्ट एवर अब इसने यहाँ पर नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अब ग्रोइंग फेज़ में दिख रहे हैं दोस्तों, जैसे जैसे यहाँ पर देखेंगे आप लॉकडाउन के बाद से आप देखेंगे तो एसेट्स भी इनके बढ़े हैं, रेवेन्यू भी यहाँ पर बढ़ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है। तो फाइनेंशियल्स अब यहाँ पर थोड़े से अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम आगे भी इसको ट्रैक करेंगे अगले क्वार्टर्स 2-3 क्वार्टर में कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। कंपनी की स्ट्रेंथ आप देखेंगे तो लीडर इन बिस्किट्स एंड बेकरी सेगमेंट इन नॉर्थ इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ इंडिया में अच्छा खासा मार्केट शेयर है इसका, वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर आप बात करें बिस्किट्स की या फिर बेकरी की, मेजर फूड सर्टिफिकेशन दैट इज़ BRC USFDA एंड FSSC इनको सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी यहाँ पर जो है रिसीव्ड ऑलरेडी है इनके पास, लीडिंग बिस्किट्स एक्सपोर्टर इन 64 कंट्रीज़। तो देखिए लीडिंग बिस्किट एक्सपोर्टर है 64 कंट्रीज़ में, मैंने आपको सिर्फ US UK का बताया था मेजर जो कंट्रीज़ है, लेकिन यहाँ पर 64 कंट्रीज़ में इनके प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट होते हैं। मॉडर्न प्रोडक्शन प्रोसेस और स्ट्रॉन्ग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, तो ये है इसके स्ट्रेंथ्स जो कि काफ़ी यहाँ पर अच्छे नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें IPO की डिटेल्स की तो आप देखेंगे 15 दिसंबर यानी 15 दिसंबर को IPO ओपन हो जाएगा बिडिंग के लिए और 17 दिसंबर को क्लोजिंग हो जाएगी। फेस वैल्यू ₹10 पर इक्विटी शेयर है, प्राइस बैंड सेट हुआ इसका 286 लोअर प्राइस बैंड 288 हायर प्राइस बैंड, 50 शेयर्स का लॉट होगा
लिस्टिंग होगी BSE NSE पे। और दोस्तों ये है इशू साइज 540 करोड़ का, जिसमें से 40 करोड़ जो होगा फ्रेश इशू होगा और 500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होगा। और IPO डेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, लिस्टिंग डेट होगी इसकी 28 दिसंबर। तो ये है इसकी IPO की डिटेल्स। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसमें जो है 35% का जो है रिटेल कोटा है, तो यहाँ पर अच्छा खासा रिटेल कोटा, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर अच्छा खासा कोटा अलॉट हुआ है। अगर बात करें पीयर्स की कंपैरिजन की, तो आप देखेंगे ब्रिटानिया, पार्ले, ITC एंड अनमोल, अगर आप देखेंगे तो ये इसके कुछ मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ये बिस्किट्स, अब अगर आप देखेंगे तो सिर्फ मिसेस बैक्टर्स और ब्रिटानिया यहाँ पर हर सेगमेंट में एक्टिव है, बिस्किट्स, ब्रेड्स, बंस, केक, अदर बेकरी। आप देखिए यहाँ पर यस है पांचों में और मिसेस बैक्टर्स में भी पांचों है। तो ये दोनों ही हैं जो सारे इन सेगमेंट्स में यहाँ पर प्रोडक्ट इनका जो बनता है। अगर ब्रांड नेम अगर हम बात करें मार्केट शेयर की, तो आप देखेंगे अदर्स, मतलब अदर्स मतलब जो जो अलग ब्रांड्स हैं जो ब्रांडेड नहीं है, जो कि लोकल ब्रांड्स हैं, उनका मार्केट शेयर है 30%। ब्रिटानिया का आप देखेंगे 28%, पार्ले का 27%। मेजरली इनका जो पार्ले जी ब्रांड है उससे यहाँ पर रेवेन्यू जो है ये जनरेट होता है इनका। ITC के, सनफीस्ट के आपने देखा होगा 11% का मार्केट शेयर है, अनमोल 4% और क्रीमिका 1%। तो मार्केट शेयर अभी इसका बहुत कम है, तो यही इसके लिए एक जो है एक ड्रॉबैक हो सकता है कि इसका मार्केट शेयर कम है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसका इसको पॉजिटिव वे में लें, तो इसके पास जो है ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी खासी है। अगर बात करें रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ की, तो आप देखेंगे ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ बिस्किट्स इन इंडियन इकोनॉमी, हायर इनकम, जैसा आपको पता है इनकम जो है अब लोगों की बढ़ रही है, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, आप देखिए ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो काफ़ी ज़्यादा, एक ई कॉमर्स बूम जो आ रहा है उसकी वजह से प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी बढ़ रही है, अफोर्डेबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया, स्पेंडिंग पावर जो है बढ़ रही है, और इसकी वजह से लोग यहाँ पर जो है प्रीमियम और मिड सेगमेंट बिस्किट्स और बेकरी ब्रांड्स में यहाँ पर काफ़ी लोग अप्रोच कर रहे हैं उसको। अगर यहाँ पर आप देखेंगे पर कैपिटा कंजम्पशन KG पर ईयर, तो इंडिया की जो है ओनली 2.5 है पर ईयर। और यहाँ पर श्रीलंका देखिए, एशियन अगर हम कंट्री की बात करें, जापान, USA, UK आप देखिए काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर इंडिया के पास अभी स्कोप काफ़ी है इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, बिस्किट्स एंड बेकरी सेगमेंट का। तो इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिशियरी यहाँ पर मिसेस बैक्टर्स फूड स्पेशलिटी लिमिटेड भी हो सकती है। अब बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो आज की डेट में यहाँ पर देखिए दोस्तों 11 दिसंबर को है 185 रुपये पर शेयर। तो अगर आप बात करें 288 हायर प्राइस बैंड पे भी इसको लेके चलें, तो करीब करीब आप मान के चलिए 65% के यहाँ पर लिस्टिंग गेन हमको आज की डेट में दिख रहे हैं। और मार्केट कंडीशन अच्छी रही तो यहाँ पर दोस्तों मेरे को लगता है कि इसका जो प्रीमियम और ज़्यादा बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है यहाँ से ये डबल भी हो जाए, क्योंकि बेसिकली अगेन मैं बोलूँगा यहाँ पर जो है कंजम्पशन जो स्टोरी यहाँ पर थीम जो है प्ले हो सकती है, और जैसे बर्गर किंग में आपको पता है हुआ, यहाँ पर मिसेस बैक्टर्स में भी हो सकती है। तो ये था दोस्तों एंटायर वीडियो आपके लिए, पूरा मैंने यहाँ पर रिव्यू एनालिसिस आपके लिए किया मिसेस बैक्टर्स का। तो यहाँ पर हम लिस्टिंग गेन के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं तो एक दो क्वार्टर भी आप रुक सकते हैं, देख सकते हैं इनका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बाद आप ज़रूर यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है ये लिस्टिंग जो है जब ओपन होगा तो काफ़ी अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट होगा, उसकी प्राइस उस टाइम पे, अभी वैल्यूशंस इसके काफ़ी अच्छे हैं, उस टाइम पे हायर वैल्यूशंस पे लिस्ट होगा। तो उस टाइम अगर आप वेट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इसको डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आप इसके कुछ शेयर्स यहाँ पर रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, आज की डेट में हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसका हम दोस्तों यहाँ पर स्ट्रेटजी भी आपको बताएंगे, लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी क्या होगी, उसके लिए हम वीडियो ज़रूर पोस्ट करेंगे जैसा हम IPO के लिए करते हैं। तो यहाँ पर आप बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए एनालिसिस और स्ट्रेटजीज लाते रहेंगे, और इसको हम कवर करेंगे जो है फर्स्ट डे बिडिंग का, सेकंड डे, थर्ड डे सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या रहता है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, सारी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कमेंट जरूर करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।